मॉर्निंग दोस्तों। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स, जिसमें आपको हमने चार पॉइंट्स बताए थे। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। तो आपने हर एक पॉइंट को ध्यान से देख लिया होगा और आप उसको याद भी कर लिए होंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। बाकी तुमने क्या किया ये तुम जानते हो, लेकिन जैसा मैं सोचता हूं अगर वैसा हो रहा है फिर तो ठीक है, अदरवाइज सिर्फ तुम फिर वही बात है, तुम सिर्फ वीडियो इकट्ठा करते रहो, नोट्स बनाते रहो, फायदा नहीं होगा भाई। तो सवाल ये है कि हर वीडियो में एक मिनट में इस पर स्प्लिट टाइम दे रहा हूं ताकि आप सिंसियरली चीजों को सुनो और नोट्स भी बनाओ, ठीक है। तो हम लोग जो चार पॉइंट डिस्कस किए उसको एक बार फिर से, उन फोर पॉइंट्स को एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट था कि आइसोलेटेड कंडक्टर के ऊपर, जो कि इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, नेट चार्ज कंजर्व होता है। पॉइंट नंबर टू, कंडक्टर के मटेरियल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो, ठीक है। वजह क्या था? इंडक्शन। एक्सटर्नल फील्ड के ठीक अपोजिट एक इंटरनल फील्ड एस्टैब्लिश हो जाता है जो नेट फील्ड को क्या कर देता है? जीरो। थर्ड पॉइंट क्या था? कि कंडक्टर के ऊपर कोई भी चार्ज दोगे, उसके मटेरियल में कोई भी चार्ज तुम दोगे, वो सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस के ऊपर जाके अपीयर हो जाएगा। बल्क में इनसाइड द मटेरियल चार्ज नहीं रह सकता है। वजह स्पष्ट है, मटेरियल में चार्ज रहेगा, दैट विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज नॉट अलाउड, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक करंट वहां पे फ्लो होगी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, कभी भी उसके कुछ एंगल पे नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एंगल पे मान लेंगे तो वहां पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगेगा सरफेस पे, एंड दैट विल कॉन्ट्रीब्यूट सरफेस करंट अगेन विच इज नॉट अलाउड। करंट तो अलाउड है ही नहीं, क्योंकि करंट चाहिए तो बैटरी चाहिए, बैटरी अपने पास है नहीं यहां पे, समझ गए। तो उन फोर पॉइंट्स का एप्लीकेशन से आज हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं, और वो देखो सब तुम्हारे सामने में आएगा, ओके। तो सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं। डेरिवेशन करने से पहले एक पॉइंट और मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई गॉसियन सरफेस, अभी मैं बोर्ड पे लिखूंगा भी इसको, अगर कोई गॉसियन सरफेस किसी कंडक्टर के मटेरियल से पास हो रहा होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर कोई गॉसियन सरफेस कंडक्टर के मटेरियल से पास होगा तो नेट फ्लक्स उस क्लोज सरफेस का ऑलवेज जीरो होगा। कहोगे कैसे? तो देख लो, मैं भी सॉल्व करता हूं। मान लो कि हम लोग एक कंडक्टर लें, ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, क्या दोस्तों? सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। अब देखो, ये मैं ऐसे इसको कलर कर देता हूं ताकि आपको लगे कि ये सॉलिड है, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर कुछ चार्ज दे दिया, तो बहुत मुश्किल नहीं है ये बताना कि वो सारे चार्ज, मान लो प्लस क्यू दिया, तो सरफेस के ऊपर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिसके पीछे रीजन आपको लास्ट क्लास में बता दी गई है। तो सारे चार्ज पहुंच गए सरफेस के ऊपर। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर गॉसियन सरफेस आप कंडक्टर के अंदर किसी भी पार्ट में कंसीडर करोगे, अब ये मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं क्योंकि गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस होता है और वो हाइपोथेटिकली होता है। मान लो ये ब्लैक से डॉटेड एक सरफेस हमने बना लिया, क्लोज सरफेस, ये है आपका गॉसियन सरफेस, अब मेरा क्या कहना है कि इस गॉसियन सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा
वो 100% क्या होगा, जीरो होना ही होना है। एक वजह तो ये हो गई कि भाई इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो गॉस लॉ में तो तुम जानते हो फाई इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनसाइड क्या है, जीरो, तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन एक और वजह है, फ्लक्स निकालने का एक और फॉर्मूला था अपने पास, ई डॉट डी ए। क्लोज सरफेस के लिए तो ये सर्कल मार दो, आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन के साइन पे ये सर्कल का मतलब क्या होता है, सर्कल मारने का मतलब है कि इंटीग्रेशन जो किया गया है वो पूरे क्लोज सरफेस के लिए किया गया। अब तुम गौर करना कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो गॉसियन सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो। क्यों जीरो होगा भाई, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर विल बी जीरो। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो जाएगा तो गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे अगर फील्ड ही जीरो होगा, अगर ये फील्ड आपका हो जाएगा जीरो, तो जीरो डॉट समथिंग इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, अभी से हम लोग जब भी प्रॉब्लम अप्लाई करेंगे, जब भी कहीं पे दिमाग लगाएंगे और उसमें कोई गॉसियन सरफेस कंडक्टर के मटेरियल से पास करेगा, तो उस सरफेस का नेट फ्लक्स क्या ले लेना है, जीरो। तो नेट फ्लक्स जीरो हुआ मतलब सरफेस के अंदर नेट चार्ज भी क्या होगा, जीरो। समझ गए? तो ये एक आपका एप्लीकेशन है जिसका यहां बहुत ज्यादा भी यूज होने वाला है। तो अभी एक काम करते हैं, इसको पॉइंट वाइज लिख देता हूं मैं यहां पे। इफ गॉसियन सरफेस इज टेकन इनसाइड द मटीरियल ऑफ कंडक्टर, इफ गॉसियन सरफेस इज टेकन इनसाइड द मटीरियल ऑफ कंडक्टर, देन नेट फ्लक्स थ्रू इट विल बी जीरो। तो भाई ये लिख लो आप, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी गॉसियन सरफेस जो कि इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर के लिया गया हो, तो उससे नेट फ्लक्स जो होगा क्या होगा, जीरो। जिसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने यहां दो तीन तरीके से आपके सामने कर दिया है, ठीक है? तो आप इसको अच्छे से लिख भी लो और इसको याद भी रखना। अभी हम लोग इसका एप्लीकेशन करके मैं इसको दिखाऊंगा कि इसको कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो एक बार पहले आप लिख लो इसको, राइट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। तो दोस्तों जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा, अब उसके ऊपर मैं आपको ये तीन एग्जाम्पल यानी तीन क्वेश्चन दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। इस टाइप के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी है और एग्जाम में चाहे जेई एडवांस हो, नीट हो या मेन हो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अभी तो मैंने एक एक स्फेयर बनाया है, अभी हम लोग प्रैक्टिस करते करते तीन तीन स्फेयर वाला भी ड्रॉ करके सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं इन तीनों क्वेश्चन को आपको एक बार ढंग से समझा देता हूं और फिर उसके बाद टू टू मिनट्स तीनों क्वेश्चन पे टाइम लो, सिक्स मिनट तक खुद से सोचो। पहले क्वेश्चन समझो क्या है, इन तीनों में तुम देख रहे हो तीनों में ये कंडक्टर्स हैं, दे ऑल आर कंडक्टर्स। तीनों क्वेश्चन में तीनों में एक एक कैविटी बनाई गई है, दो प्रॉब्लम के कैविटी के बीच में चार्ज रख दिया गया है। देखो यहां पे प्लस क्यू, यहां पे माइनस क्यू और यहां कोई चार्ज, कैविटी, कैविटी समझते हो ना, सॉलिड स्फीयर और उसके अंदर कुछ उसके मटेरियल को काट के हटा दिया जाए तो अंदर में खाली जगह, जैसे नारियल होता है, नारियल कोकोनट, तो उसके अंदर अगर वाटर निकाल दिया जाए तो अंदर में खाली जगह बचता है कुछ, वही कैविटी है समझ लो। फिर इस तरीके से अगर कैविटी बना दोगे तो स्फेयर्स के जो कंडक्टिंग स्फेयर है, ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ किए ये दिखा रहा है कि बीच में सॉलिड मटेरियल है, ये लाइंस जो है वो ये बता रहा है कि बीच में सॉलिड मटेरियल है।
तो अब ये बता रहा है दोस्तों कि यहां पे दो सरफेस है, सरफेस नंबर वन, सरफेस नंबर टू, सरफेस नंबर वन, सरफेस नंबर टू, सरफेस नंबर वन, सरफेस नंबर टू। तुमसे पूछ रहा है कि इन सरफेसेस पे कितने चार्जेस प्रेजेंट होंगे। जैसे देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, फाइंड द चार्जेस ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर। तो इसके दोनों सरफेस पे चार्ज बताना है। इस स्फीयर को कोई चार्ज नहीं दिया गया है, इसके कैविटी पे चार्ज दी गई है। इस केस में क्या किया गया दोस्तों, कैविटी में भी चार्ज दी गई माइनस क्यू और स्फीयर को चार्ज दे दिया गया है प्लस टू क्यू, स्फीयर को भी चार्ज दिया गया है। तो तुम्हें बताना है कि कहां पे कितना, ये प्लस टू क्यू कहां जाके बैठेगा, कितना बैठेगा अंदर वाले स्फीयर पे, सॉरी अंदर वाले सरफेस पे कितना होगा, आउटर सरफेस पे कितना होगा। और इस केस में ये अगर देखा जाए तो तीनों में थर्ड वाला ही सबसे ईजी है। एक तो इसकी कैविटी में कोई चार्ज नहीं दी गई है और दूसरा स्फीयर को सिर्फ क्या दिया गया है, प्लस क्यू। तो आपको यह बताना है कि इसके इन दोनों सरफेसेस पे कितने कितने चार्जेस होंगे। तो आपको मैंने बोला आप 6 मिनट का टाइम लो और सॉल्व करो, उसके बाद देखना आप इसका सॉल्यूशन, पहले 6 मिनट का टाइम लो। ओके, चलो दोस्तों, तो आपने ट्राई कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करता हूं, आसान है ये। इसमें देखो, इस स्फीयर पे चार्ज कितना दिया गया, प्लस क्यू, इसके कैविटी में कोई चार्ज नहीं है। तो मान लो इस सरफेस को सरफेस नंबर 1 और इस सरफेस को मान लो सरफेस नंबर 2। अब हम लोग एक काम करते हैं, कैविटी में तो कोई चार्ज नहीं है, इनर सरफेस को मैंने चार्ज दे दिया स्मॉल क्यू। प्लस होगा माइनस होगा, होगा भी कि नहीं होगा वो तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, फिलहाल हमने इसको चार्ज दे दिया क्यू। तो कंजर्वेशन से जानते हो कि अगर इसको आपने दे दिया क्यू तो ऑटोमेटिकली इसको कितना मिलेगा, तो टोटल चार्ज है प्लस क्यू और अंदर में अगर स्मॉल क्यू दे दिया तो बाहर वाले को मिल जाएगा क्यू माइनस स्मॉल क्यू। आ रही है बात समझ में, क्योंकि अगर चार्ज इसको तुमने स्मॉल क्यू दिया, टोटल सम तो कितना होना चाहिए, प्लस क्यू के, क्योंकि आप जानते हो कंजर्वेशन के रूल से कि कंडक्टर का चार्ज टोटल कांस्टेंट होना चाहिए। प्लस क्यू आपने दिया, उसमें से स्मॉल क्यू अगर मैंने अंदर वाले को अज्यूम कर लिया तो बाहर वाले को मिल गया कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत सिंपल है, करना क्या है आपको कि आप यहां पे एक गॉसियन सरफेस ले लो, ये ले लिया हमने गॉसियन सरफेस। अब जरा ध्यान दो, ये गॉसियन सरफेस कहां से पास कर रहा है। तो हम जानते हैं कि ये गॉसियन सरफेस इसके मटेरियल से पास कर रहा है। तो इस गॉसियन सरफेस से, जो कि ये गॉसियन सरफेस है, नंबर 2 को मैं फिलहाल मिटा देता हूं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो देखो ये गॉसियन सरफेस है, नंबर 3 को हम सॉल्व कर देंगे। तो गॉसियन सरफेस से, नेट फ्लक्स 0 होता है क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल से पास कर रहा है। तो नेट फ्लक्स 0, तो इसके अंदर Q इनसाइड भी 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्लक्स 0 है तो नेट चार्ज भी 0 होना चाहिए। और इस गॉसियन सरफेस के अंदर आप ध्यान से देखो, सिर्फ ये स्मॉल Q नजर आ रहा है और कोई चार्ज तो नहीं है, सेंटर पे तो कोई चार्ज दिया ही नहीं गया है, बस नंबर 1 पे हमने क्या मान लिया है, स्मॉल Q। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तुमने Q माना है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो हम यहां कह सकते हैं सो चार्ज ऑन इनर सरफेस, स्मॉल Q, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 0, यानी अंदर में आपका कोई चार्ज भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पे गॉसियन सरफेस के हिसाब से देखा जाए तो नेट फ्लक्स 0 मतलब नेट चार्ज 0,
तो अंदर वाले सरफेस पे चार्ज नहीं होगा। तो आउटर पे कितना होगा? देन चार्ज ऑन आउटर सरफेस। तो आउटर सरफेस पे चार्ज क्या होगा दोस्तों? तो सीधी सी बात हो गई, कितना माना हमने, q माइनस स्मॉल q, और स्मॉल q तो जीरो आ गया, तो सीधी सी बात है आंसर आ गया प्लस टू। यानी इस स्फेयर को आपने जो भी चार्ज दिया वो अंदर में जाने के बजाय वो सारा का सारा कहां जाएगा, सरफेस पे। तो इनर वाले को जीरो मिलेगा, आउटर वाले को क्या मिल जाएगा, प्लस क्यू। चालाकी हमने क्या की, तो यहां गॉसियन सरफेस ले लिया, गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स जीरो, इसका मतलब क्यू इनसाइड भी जीरो। ओके, तो ये आपने सॉल्व किया होगा, अगर किया है तो सही है। चलो नंबर वन देखते हैं, इसको लिखने के बाद हम लोग नंबर टू सॉल्व करेंगे। नंबर वन में देखो यहां पे क्या होगा, क्या फर्क है दोनों में। जैसे यहां तुमने प्लस क्यू दिया था इस स्फेयर को और कैविटी में कोई चार्ज नहीं था, यहां पे क्या हुआ दोस्तों कि चार्ज दिया गया है कैविटी में और स्फेयर को कोई चार्ज नहीं दिया गया, तो क्या होगा? एक काम करते हैं, इतना अपने को पता है कि अगर तुमने यहां पे प्लस क्यू दिया और यहां अज्यूम कर लो, ठीक है, कि इसको मिल गया Q1, इसके इनर सरफेस को, ठीक है, तो आउटर सरफेस को क्या मिल रहा होगा, Q2। तो एक बात सोचो कि इसको अगर हमने Q1 दिया, इसको Q2, और कंजर्वेशन से सोच के देखो कि इस स्फेयर को तो हमने कोई चार्ज दिया नहीं था, जो भी चार्ज दिया सेंटर पे, स्फेयर को तो कोई चार्ज दिया नहीं, इसका मतलब Q1 और Q2 का सम इनिशियल चार्ज जो कि जीरो है उसके बराबर होगा, और Q1 और Q2 का सम जीरो तभी हो सकता है जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और साइन क्या हो, अपोजिट। तो सीधी सी बात है, अगर इसे प्लस मानोगे यहां पे, जिसको माइनस मानना पड़ेगा, आइदर इसको माइनस मानोगे तो उतना ही इसको प्लस मानना होगा। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले Q1 निकाल लेते हैं, Q2 उसका ठीक अपोजिट आएगा, क्योंकि Q1 प्लस Q2 हर हालत में क्या आना चाहिए, जीरो। क्यों जीरो आना चाहिए? क्योंकि इनिशियली जब कोई चार्ज नहीं था इसके पास, तो फाइनली भी इसके पास कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो पहले Q1 निकालो तो सही कि Q1 प्लस होगा कि माइनस होगा, देखते हैं। जैसा यहां तुमने किया वही काम यहां भी करो, यहां भी एक तुम एक गॉसियन सरफेस ले लो जो इसके मटेरियल से पास कर रहा है। अब ये आपका चला गया, ये हो गया आपका गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। अब ये अगर गॉसियन सरफेस है तो इसके थ्रू नेट फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। नेट फ्लक्स जीरो होने का मतलब ये हो गया कि क्यू इनसाइड भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब इस सरफेस के अंदर देखो कि कौन कौन से चार्ज है, एक तो प्लस क्यू है और दूसरा ये क्यू वन अननोन है, तो ये दोनों का सम किसके अलावा होना चाहिए, जीरो, क्योंकि इस सरफेस के अंदर ये दोनों ही चार्ज आते हैं। यहां पे क्या था कि सरफेस के अंदर सिर्फ ये था, कैविटी में कोई चार्ज नहीं थी, लेकिन यहां पे आपने ये माना भी है, तो सीधी सी बात है Q इनसाइड जीरो, इसका मतलब Q1 प्लस Q इक्वल्स टू जीरो। अब देखो यहां पे Q1 प्लस Q इक्वल टू जीरो, इसका मतलब Q1 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर निकल के आ गई, माइनस Q। यानी इस सरफेस पे दोस्तों जो चार्ज है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक। और जब Q1 हो गया नेगेटिव, तो जैसा लिखा हुआ है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू जीरो, तो Q1 की जगह माइनस Q रख दो, अब प्लस Q2 इक्वल टू जीरो, इसका मतलब Q2 हो गया प्लस Q। तो भाई ऐसा हुआ कि इस इनर सरफेस पे आएगा Q1 जो माइनस Q निकल के आया, और आउटर पे आएगा प्लस Q। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं, यहां फिर से हुआ यूं,
सेंटर पे प्लस क्यू तुमने दिया, इनर वाले सरफेस पे आया माइनस क्यू, आउटर वाले पे क्या आ गया प्लस क्यू। अब देख लेते हैं कि ये हमारे फंडामेंटल से मैच करता है कि नहीं। हमने सीखा कि कंडक्टर्स के ऊपर चार्ज कंजर्व होना चाहिए, तो इनिशियली इस कर को कोई चार्ज नहीं दिया गया था, तो देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू ऐड होके आपका जीरो हो जा रहा है कि नहीं। दूसरा हमने ये सीखा कि गॉसियन सरफेस अगर कंडक्टिंग मटेरियल से पास कर रहा हो तो उसके अंदर नेट फ्लक्स जीरो, मतलब नेट चार्ज जीरो, वो भी देखो प्लस क्यू माइनस क्यू क्या हो गया जीरो। तो एक बात याद रखो, देखो अब एक मैं ट्रिक बताता हूं, कभी भी जब इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होना चाहिए जीरो, क्योंकि फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल से पास कर रहा है, तो कैविटी पे जितना प्लस होगा इनर सरफेस पे पक्का है उतना माइनस होगा, और अगर कैविटी के सेंटर पे माइनस होगा तो इनर सरफेस पे क्या होगा प्लस, जो अगले प्रॉब्लम में आपको इसका एप्लीकेशन भी दिख जाएगा। आप याद रखना ये दोनों फेस करने वाले सरफेस है ना, इस पे इक्वल एंड अपोजिट होगा। इसको अभी और हम लोग डिटेल में करेंगे, ठीक है? तो पहले इसको आप लिख लो, फिर नंबर टू में सॉल्व करता हूं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। देखो इसमें क्या है कि सेंटर पे चार्ज दिया हुआ है माइनस क्यू कैविटी पे, और स्फीयर को हम लोग कितना चार्ज दे रहे हैं भाई, तो प्लस टू क्यू। तो पूछ रहा है कि इसके इनर सरफेस पे यानी नंबर वन पे और नंबर टू पे कितना चार्ज होगा। कितना सिंपल है। अब तो पिछली बार जो चालाकी आपको बताई है उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, कितना आराम सॉल्व होगा सो देखो। मैंने आपको बोला कि कैविटी पे जो चार्ज हो यानी यहां पे जितना चार्ज हो उसका ठीक अपोजिट चार्ज आप इनर सरफेस में दे दिया करो। मान लो माइनस क्यू है तो यहां प्लस क्यू हो जाएगा। तुम कहोगे नहीं सर एक बार हमको पहले वो फिर से समझा दीजिए। लो भाई कर देते हैं, आप फिर गॉसियन सरफेस ले लो। अब तुम खुद सोचो ये गॉसियन सरफेस मटेरियल से पास कर रहा है तो इससे फ्लक्स जीरो होगा, और फ्लक्स जीरो होने का मतलब है इसके अंदर क्यू इनसाइड जीरो होना चाहिए, और क्यू इनसाइड तो जीरो तभी ना होगा। इस पूरे सरफेस के अंदर तो दो ही चार्ज हैं, एक माइनस क्यू और एक नंबर वन पे रहने वाला चार्ज। तो ऑटोमेटिकली अगर सेंटर में माइनस क्यू है तो यहां पे आपका कितना होना चाहिए, तो आंसर होगा यहां होना चाहिए प्लस क्यू, ठीक है? तो इसका मतलब है नंबर वन पे हमारा आंसर आ गया प्लस क्यू। तुम बस समझ लो ना इस बात को कि इस कैविटी पे जो चार्ज होगी उतना ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट चार्ज दे दो। तो फिर कोई पूछेगा तो अब टू पे कितना चार्ज दे, तो फिर याद करो कंडक्टर की प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इस कंडक्टर को तुमने चार्ज कितना दिया प्लस टू क्यू, अब इस प्लस टू क्यू में से अगर अंदर वाले पे प्लस क्यू रह गया तो प्लस टू क्यू में से प्लस क्यू और अंदर वाले को दे रहे हो, मतलब यहां प्लस क्यू हो गया, तो ऑटोमेटिकली बाकी बचा हुआ जो पॉजिटिव चार्ज है टू क्यू में से क्यू और माइनस करो तो वो जो प्लस क्यू होगा वो तो बाहर वाले सरफेस पे चला जाएगा। इसका मतलब है क्योंकि हमको कंजर्वेशन भी देखना है तो बाहर वाले सरफेस पे आपका क्या हो गया प्लस क्यू, तो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस टू क्यू, यानी कि नंबर टू पे जो आपका चार्ज होगा वो भी हो जाएगा प्लस क्यू। तो आपको उन्हीं चार पॉइंट्स को तो बस केयर करना है जो कल आपको बताया गया है, और बाकी आप प्रॉब्लम में लगाते जाओ, है ना? तो अब देखो ये सिंपल है, इसको आपने सॉल्व किया होगा, एक बार फिर से देख लो इसको। अब इस पे हम लोग दो तीन एग्जांपल और करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो बोर्ड पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। देखो यहां पे दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, हॉलो स्फीयर्स हैं। हॉलो स्फीयर समझते हो ना, अभी जो हम लोग एक सॉलिड स्फीयर में से बीच से मटेरियल काट के हटा रहे थे तो अंदर में क्या हो जा रहा था कैविटी। मैं क्या बोल रहा हूं कि अब अंदर का लगभग सारा मटेरियल हटा दो, सिर्फ एक पतला सा परत छोड़ दो, मतलब ऊपर में एक लेयर को छोड़ दो। जैसे फुटबॉल देखो अंदर में खाली रहता है, बस एक लेयर होती है। अब उस लेयर का दो सरफेस हो गया, एक आउटर एक इनर, तो बस यही देख लो।
ये आउटर हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर्स को हम लोग सेल भी बोलते हैं, SHE-LL। तो जब भी सेल लिखा हुआ रहे तो समझना क्या लिखा हुआ है, हॉलो स्फीयर्स। अब देखो यहां दो हॉलो स्फीयर है, जो आउटर हॉलो स्फीयर है उसमें भी दो सरफेस होगा जिसको मैंने नंबर कर दिया 3 और 4, और ये इनर हॉलो स्फीयर है जिसका भी दो सरफेस है, नंबर 1 नंबर 2, ये इनर ये आउटर, ये बीच का स्पेस खाली है, यहां भी स्पेस खाली है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कैविटी में चार्ज दी गई है माइनस क्यू, इस स्फीयर को टोटल चार्ज दिया गया प्लस क्यू, आउटर स्फीयर को टोटल चार्ज दिया गया माइनस टू क्यू। तो तुमसे क्वेश्चन क्या बोल कर पूछ रहा है, तुमसे कह रहा है फाइंड चार्जेस ऑन ऑल द सरफेसेस शोन इन फिगर। अब इसमें हमें हर एक सरफेस पे चार्ज निकालना है, कितना आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं वो देखो। तो पहले आप वीडियो को पॉज करो और 3 मिनट्स का टाइम लो और सॉल्व करके बताओ। ओके चलो, तो तुमने सॉल्व कर लिया होगा, अब देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देख लिया क्वेश्चन आपने, सॉल्व कर लिया, तो मैं इसको डब करता हूं। तो भाई ऐसा है कि जो रूल अभी आपको सिखाया उसको लेके चलो। देखो ये कितना भी पतला हो, ये देखो ये बहुत पतला सा है, बहुत पतला सा है, इसके ना आप एग्जाम में तो एकदम, जैसे मैंने थोड़ा सा थिकनेस दिखाया भी है, एग्जाम में ना तुम्हें सीधा ऐसी ऐसा लाइन बना देगा। तो उसमें भी आपको ये सोचना है कि ये इनर सरफेस है, ये आउटर है ना। तो आप इस बात का ना थोड़ा ध्यान रखोगे, तो एक काम करते हैं, इसमें से एक गॉसियन सरफेस इनके बीच में से लेते हैं। अब यहां चूंकि थिकनेस इतना कम है कि दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, आप मन में मान के चलो कि अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो ये इतना थिक दिखेगा, और गॉसियन सरफेस इनके बीच से लेके जाएंगे। ये ऐसे ही बोल रहा हूं मैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस थिकनेस को मन में मैग्नीफाई करके देखो, हो सकता है ये पूरा मोटा दे दे, फिर तो आसान है, जो जैसा कि हम लोग पिछले कम में कर रहे थे, लेकिन मुझे तो एग्जामिनेशन का भी ध्यान रखना है, वहां ऐसे ही थिन स्फीयर्स दिए जाते हैं। तो आप मन में सोच के चलो कि इसकी थिकनेस है, कि इसके बीच में आप क्या ले जा सकते हो, गॉसियन सरफेस। तो अभी जो ट्रिक बताया तुम्हें उसी ट्रिक को फॉलो करो। अगर कैविटी में आपका माइनस क्यू है तो नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में भी एक गॉसियन सरफेस लोगे इस टाइप से, तो उसके अंदर नेट चार्ज क्या होना चाहिए, 0। तो अगर यहां माइनस क्यू है तो निश्चित तौर पे नंबर 1 पे कितना होना चाहिए। तो अगर मान लो इसके बीच से अगर हम गॉसियन सरफेस पास करेंगे तो आपको बताया कि कैविटी पे जो चार्ज है उसका ठीक अपोजिट आराम से नंबर 1 को दे दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 1 पे चार्ज होना चाहिए प्लस क्यू। क्यों भाई, एकदम ये काम आएगा आपको हमेशा, क्योंकि अगर यहां माइनस क्यू है तो यहां प्लस क्यू होगा। चलो अब देखो, जब नंबर 1 को मिल गया प्लस क्यू तो नंबर 2 को कितना मिलेगा। तो भाई एक बात सुनो, इस स्फीयर को टोटल चार्ज तुमने कितना दिया, तो प्लस क्यू, तो आपको कंजर्वेशन भी तो फॉलो करना है। तो इस स्फीयर के 1 और 2 को मिला के, यानी 1 और 2 के चार्ज को मिला के क्यू होना चाहिए। अगर नंबर 1 को तुमने दे दिया प्लस क्यू तो ऑटोमेटिकली नंबर 2 को मिलेगा उस केस में 0, क्योंकि इन दोनों का सम जो होना चाहिए वो प्लस क्यू, यानी कंजर्वेशन को भी तो फॉलो करना है अपने को। तो इसका मतलब ये जो सारा चार्ज है वो नंबर 1 पे जाएगा, नंबर 2 पे जाएगा 0। ठीक, चलो नंबर 2 पे तो हो गया 0। अब नंबर 3 को कितना मिलेगा, तो एक बात देखो, अभी आपको बताया, अब नंबर 3 के हिसाब से देखें तो नंबर 3 के हिसाब से देखें तो आप एक गॉसियन सरफेस नंबर 3 और नंबर 4 के बीच में ले लो, इन दोनों के बीच में ले लो, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर भी नेट चार्ज 0 होना चाहिए,
तो इसके अंदर कौन कौन से चार्ज होंगे? तो इसके अंदर होगा कैविटी वाला चार्ज जो कि माइनस क्यू है, नंबर वन का चार्ज जो कि प्लस क्यू है, नंबर टू का चार्ज जो कि जीरो है, और नंबर थ्री का चार्ज, और ये सब मिलके होना चाहिए जीरो। तो देखो माइनस क्यू प्लस क्यू जीरो, और ये तो जीरो ही है, तो ये सब जीरो ही अगर होगा तो नंबर तीन को भी कितना चार्ज मिलेगा? जीरो। अगर नंबर तीन को, बात समझो, ये जो यहां से गॉसियन सरफेस जा रहा है इन दोनों के बीच में, इसके अंदर ये सारे चार्ज हो जाएंगे, यानी ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये जीरो और नंबर तीन का चार्ज, तो ये दोनों मिल, ये तीनों मिलके ऑलरेडी जीरो हो चुके हैं, तो तीसरे पे कुछ भी अगर अलग दे दोगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सब जोड़ के जीरो होना है, इसका मतलब नंबर तीन पे भी क्या होगा? जीरो। ओके, और जब नंबर तीन पे जीरो होगा तो नंबर चार पे कितना होगा? तो सीधी सी बात है, आउटर स्फीयर को टोटल चार्ज कितना दिया गया? माइनस टू क्यू, तो तीन और चार को जोड़ के कंजर्वेशन फॉलो होना चाहिए, तो तीन को जीरो, तो जो भी चार्ज आपने इसको दिया है वो सब जाके नंबर चार पे रहेगा, और आंसर हो गया माइनस टू क्यू। ओके, लिख लिया आपने? मैं एक और इस पे कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, लिख लो इसको पहले। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट एग्जांपल, अब इसमें क्या हुआ, सेंटर पे दिया गया प्लस क्यू, इस स्फीयर को दिया गया माइनस टू क्यू, और आउटर वाले को दिया गया प्लस थ्री क्यू, और आपको पूछा जा रहा है वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर पे चार्ज बताने को। तो फिर आप देखो कितना आराम से लोग कर लेंगे, सेंटर पे जो चार्ज उसका ठीक अपोजिट मैंने कहा था आप नंबर वन को दे दो, तो सेंटर पे प्लस क्यू तो नंबर वन पे कितना मिलेगा? तो नंबर वन पे हो जाएगा माइनस क्यू। समझ गया ना? कोई पूछेगा रूल क्या है, तो रूल कहना इन दोनों सरफेस के बीच में जो गॉसियन लेंगे उसके अंदर नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, तो अगर यहां प्लस क्यू है तो यहां माइनस क्यू होगा, तभी जोड़ के क्या होगा? जीरो। चलो नंबर टू पे कितना चार्ज होगा? तो फिर अब आ जाओ कंजर्वेशन पे, इसको कितना चार्ज आपने दिया? माइनस टू क्यू, तो माइनस टू क्यू में से इस स्फीयर के नंबर वन पे अगर माइनस क्यू गया तो नंबर टू पे भी आपका माइनस क्यू जाएगा, ताकि दोनों एड होके माइनस टू क्यू जाए। तो इसका मतलब हो गया कि नंबर वन पे आपका हो गया माइनस क्यू, और नंबर टू पे भी हो गया माइनस क्यू, तो वन और टू का तो मामला हो गया सॉल्व। तो इसको मिटा देते हैं फिर। अब देखते हैं नंबर तीन को क्या मिलेगा। तो भाई देखो, अब एक चीज समझो जो यहां पे हम लोग बोल रहे हैं, इसके ठीक जो इसका नंबर टू पे जो होगा यानी फेसिंग सरफेस, नंबर दो और नंबर तीन एक दूसरे को फेस कर रहा है, इन दोनों पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट दे दिया करो। जैसे इसको माइनस क्यू है तो यहां फिर अपने मन से प्लस क्यू बिठा दो, फिर तुमको नहीं रूल से बताइए, तो रूल से बताइए तो फिर बात वही हो गई ना भाई, कि यहां से आप फिर गॉसियन सरफेस ले लो। अब इसके अंदर जो गॉसियन सरफेस लोगे उसमें ये सारे चार्ज आ गए, नंबर तीन, नंबर दो, नंबर एक, नंबर ये सॉरी कैविटी वाला। तो देखो प्लस क्यू माइनस क्यू एड होके जीरो, माइनस क्यू, अब यहां सोचो क्या होगा जो ये दोनों ऐड होके भी जीरो हो, ताकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट जीरो आ जाए। तो सीधी सी बात है, यहां पे क्या देना पड़ेगा आपको? प्लस क्यू, यानी नंबर तीन पे आ जाएगा आपका प्लस क्यू। तो इतना लंबा याद रखने से अच्छा है कि फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट। नंबर चार पे क्या होगा भाई? तो सीधी सी बात है, आप कंजर्वेशन लगाओ, तो टोटल चार्ज आउटर वाले को, टोटल आउटर स्फीयर को मिला के, यानी इसे स्फीयर को टोटल चार्ज प्लस थ्री क्यू दे रहे हो, जिसमें से प्लस क्यू इसके इनर सरफेस पे आ गया, तो बचा हुआ जो प्लस टू क्यू होगा वो तो आउटर पे होगा, तो यहां आ गया आपका प्लस टू क्यू, ये हो गया आपका आंसर। अब आप चेक कर सकते हो सबको कंजर्वेशन से या जैसे भी देखो, ठीक है? तो इस तरीके से यहां लिख देते हैं प्लस, ठीक है दोस्तों। तो मैं एक होमवर्क दे देता हूं, और मैं तीन स्फीयर वाला दे देता हूं, आप सॉल्व करना उसको, ठीक है? इसको आप लिख लो पहले। तो दोस्तों ये आपका होमवर्क है जिसको आपको सॉल्व करना है। इसमें आप देख सकते हो कि आपको टोटल तीन स्फीयर्स, हॉलो स्फीयर्स दिए गए हैं, यानी टोटल छह सरफेस हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। इसमें सेंटर पे कैविटी पे दिया गया है चार्ज माइनस क्यू, इसको हमने दिया है प्लस थ्री क्यू, इसको दिया है माइनस टू क्यू,
और आउटर वाले को दिया है प्लस क्यू, तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे चार्जेस निकालने हैं। ध्यान एक ही चीज का रखना कि फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट, फेसिंग मतलब 2 और 3 पे इक्वल एंड अपोजिट, 4 और 5 पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने चाहिए, और साथ ही साथ कंजर्वेशन का ध्यान रखना। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? तो इसका मैं सॉल्यूशन आंसर अगले क्लास में बताऊंगा। ओके, तो इसको आप सॉल्व करेंगे।